The Dawn Express, Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसी को देखते हुए मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दिए जाने की तैयारी है। इन लैब्स को प्रत्येक COVID-19 जांच की कीमत 4500 रुपये से 5000 रुपये के बीच रखने का निर्देश दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 जांच शुरू करने का इरादा रखने वाली निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किए, जबकि ICMR ने उनसे ये टेस्ट फ्री रखने की अपील की थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई भी इसे मुफ्त में नहीं करना चाहता और यही कारण है कि निजी लैब को COVID-19 के लिए हर जांच की कीमत 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच रखने को कहा जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 51 निजी प्रयोगशालाओं ने सरकार से संपर्क कर उन्हें इस श्वसन रोग के लिए जांच की इजाज़त देने का अनुरोध किया है। फिलहाल इस वायरस से देश में अब तक 236 लोग संक्रमित हैं। खास बात तो ये है कि ICMR ने इस वायरस की जांच के लिए अपनी 72 प्रयोगशालाओं को उपकरणों से लैस किया है। इसके अलावा CISR और DRDO जैसे संगठनों की 49 प्रयोगशालाएं भी इस हफ्ते के अंत तक जांच के लिए सुसज्जित की जाएंगी। ICMR, NCR और भुवनेश्वर में भी 2 जांच केंद्र स्थापित कर रही है। ये सेंटर रोजाना 1400 सैंपल की जांच कर सकते हैं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। कोरोना वायरस को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया है और दुनिया में लगभग सभी देश इससे जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते विदेशों से भारत में आवाजाही बंद हो चुकी है, जिसका प्रभाव सभी देशों की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ कोरोना वायरस का प्रभाव भी कम होगा, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह महामारी अभी अगले 6 महीने तक बनी रहेगी। संक्रामक रोग के एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दावा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी अगले 6 महीने और बना रहेगा। साथ ही एक्सपर्ट ने कहा कि मास्क और ग्लव्स पहनने से इससे बचाव नहीं होने वाला। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये दावा संक्रामक रोग के एक्सपर्ट माइकल ओस्टरहोम ने किया। एक्सपर्ट के दावे के बाद यह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस अगले 6 महीने तक बना रहेगा। साथ ही जानकारी के अनुसार इसके बाद यह महामारी कम हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसे पूरी तरह से बनाए जाने में 6 महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद इसका इलाज संभव होगा। एक्सपर्ट ओस्टरहोम ने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, हमें आगे इस महामारी के चलते काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ओस्टरहोम के मुताबिक दुनिया भर की सरकारों द्वारा किए जा रहे बचाव के प्रयास नाकाफी हैं। ओस्टरहोम का मानना है कि कोरोना वायरस महज सांस लेने से भी हो सकता है। ओस्टरहोम N95 मास्क को इसमें काफ़ी कारगर मानते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कमी चल रही है। धन्यवाद। साबार, डेली हंट एवं अन्य।